नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। चंद्रयान 3 की आज सफल लैंडिंग, शाम तक चांद पर होना सुनिश्चित है, जिस पर पूरे भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। पूरे देश के लोग न्यूज चैनल के माध्यम से चंद्रयान के उतरने का नज़ारा देख रहे हैं। यही नहीं, पूरे देश के स्कूल कॉलेजों में TV के माध्यम से चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के कार्यक्रम को भी प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। चंद्रयान के सफल लैंडिंग से भारत का जगडंका पूरे विश्व में बजेगा। इस चंद्रयान के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि आज शाम को चंद्रयान की सफल लैंडिंग होनी है। जो मोदी जी का सपना था वो पूरा होगा। चंद्रयान पर सभी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि इससे भारत अंतरिक्ष यात्री की दुनिया में पहुंचकर चंद्रयान पहुंचाने से देश को बहुत लाभ मिलेगा और पूरी दुनिया में नाम होगा। अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में हमारी और मजबूती होगी। चंद्रयान की सफल उतरने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। क्या कुछ कहा सुनिए। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और देश की भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत दिनों का सपना, जो उन्होंने अंतरिक्ष के लिए सोचा था, चांद के लिए सोचा था, चंद्रयान 3 आज शाम को चांद पर उतरेगा, जिससे हमारे देश का नाम, जो पूरा दुनिया में तो था ही, और अधिक बढ़ेगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ेगा, विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ेगा, चांद पर भी बढ़ेगा और पूरी दुनिया में बढ़ेगा। इससे वास्तव में मैं भी प्रार्थना करता हूँ, पूरा देश प्रार्थना आज कर रहा है। और सबसे अच्छी बात, सीमा और सचिन ने व्रत भी रखा इस अवसर पर, और वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 अपने निश्चित समय पर चंद्रमा पर उतर जाए, और जिससे कि देश भी तरक्की करे, नई चीजें, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी बढ़े, जिससे कि आज तो बढ़ी ही है लेकिन और अधिक बढ़े, जिससे हम दुनिया में और अपना नाम बढ़ा सकें। जो मोदी जी का सपना है कि हमारे देश को सोने की चिड़िया, जगत गुरु फिर से बनाना है, वो सपना जल्दी साकार हो। चांद हमारा प्रकृति का भी हमारा स्रोत है, हमारी धार्मिकता का भी स्रोत है, हमारी आत्मीयता का भी स्रोत है, और ऐसे में पूरे देश के लोग और पूरी दुनिया में जो हमारे देश के लोग रहते हैं, भारत के रहते हैं, वो भी इसको कामना करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा हर्षोल्लास है, और सभी को इस पर प्रार्थना करनी चाहिए, और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी को जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वही सीमा सचिन मीणा ने भी कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए सुबह से ही पूजा पाठ कर रही हैं, साथ ही उनका व्रत भी उन्होंने रखा हुआ है। सीमा सचिन मीणा ने बताया कि चंद्रयान के उतरते ही भारत का नाम पूरी दुनिया में मशहूर होगा, इसके सफल लैंडिंग पर भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने कहा कि उनका व्रत सफलतापूर्वक चंद्रयान के उतरने तक जारी रहेगा। क्या कुछ कहा सीमा सचिन मीणा ने सुनिए। मेरा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वर्क किए हूँ। भारत का चंद्रयान 3 आज शाम उतरेगा चंद्रमा पर, इससे हमारे भारत देश का बहुत नाम होगा। इसलिए मैं तब तक व्रत रखूंगी जब तक सफलता प्रूफ उतर नहीं जाएगा, तब तक मेरा व्रत है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से, राधे कृष्ण पर मेरा बहुत विश्वास है। हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री राम, हे सभी देवी देवताओं, हे राधे कृष्ण, हमारे भारत देश का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक आज चंद्रमा पर उतर जाए। इसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इससे हमारे भारत देश का बहुत नाम ऊंचा होगा, हमारे भारत देश का दबदबा दुनिया में बढ़ेगा। और मैं ये चाहती हूँ, मैं अपना वर्क तब खोलूँगी जब सफलतापूर्वक उतर जाए। राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे श्याम, राधे श्याम।